कुमारसेन थाना के अंतर्गत एसएसबी कैंप कुमारसेन के पास एक कार के अनियंत्रित हो जाने से वहां घूम रहे एक सिपाही व उसके 4 वर्षीय बेटे को चोटें आई हैं। मिली जानकारी के अनुसार रामपुर के वार्ड नंबर 3 के निवासी राम केवल ने कुमारसेन पुलिस थाना में बयान दर्ज करवाया कि वह अपने घर लखनऊ गया था। उसने 12 मार्च को रामपुर आने के लिए चंडीगढ़ से एक टैक्सी किराए पर ली, जिससे वह जिसमें अपने परिवार रिश्तेदार के साथ यात्रा कर रहा था। जब ये टैक्सी रात लगभग 7 बजे एसएसबी कैंप कुमारसेन के पास पहुंची तो टैक्सी चालक फोन पर बात करने लग गया। इस दौरान टैक्सी अनियंत्रित होकर वहां पर घूम रहे एक सिपाही व उसके परिवार के साथ जा टकराई, जिससे सिपाही राजेंद्र सिंह व उसका 4 वर्षीय बेटा घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल कुमारसेन लाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रामपुर बुशहर से रमेश शर्मा की रिपोर्ट।